भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के लाडले थे। उनका लिखा एक एक शब्द विद्यार्थी को गर्व से भर देता था। ऐसे ही किसी भावुक पल में विद्यार्थी जी भगत सिंह को भारत में क्रांतिकारियों के सिरमौर चंद्रशेखर आजाद से मिलवाया। आजादी के दीवाने दो आतिश क्रांतिकारियों का ये मिलन अद्भुत था। अब भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों और पत्रकारिता दोनों में ही शानदार काम कर रहे थे। गतिविधियां बढ़ी तो पुलिस को भी शंका हुई। विद्यार्थी जी ने पुलिस से बचाने के लिए भगत सिंह को अलीगढ़ जिले के शादीपुर गांव के स्कूल में हेडमास्टर बनाकर भेज दिया। भगत सिंह जिस समय शादीपुर में थे उसी दरमियान विद्यार्थी जी को उनकी असली पारिवारिक कहानी का पता चला। विद्यार्थी जी खुद शादीपुर गए और भगत सिंह को मनाया कि वो अपने घर लौट जाएं। दरअसल भगत सिंह के घर छोड़ने के बाद उनकी दादी जी की हालत बिगड़ गई थी। दादी जी को लग रहा था कि शादी के लिए उनकी जिद के चलते ही भगत सिंह ने घर छोड़ा है, इसके लिए वह खुद को कसूरवार मानती थी। भगत सिंह का पता लगाने के लिए पिताजी ने अखबारों में इश्तिहार दिए थे। ये इश्तिहार विद्यार्थी जी ने देखे थे, लेकिन तब तक उन्हें नहीं पता था कि उनके यहाँ काम करने वाला बलवंत सिंह ही भगत सिंह है। इसी के बाद वो शादीपुर जा पहुँचे। और फिर क्या, भगत सिंह विद्यार्थी जी का अनुरोध कैसे टालते। भगत सिंह फौरन ही घर के लिए रवाना हो गए। वहाँ दादी की सेवा की और फिर पत्रकारिता की वारी शुरू करने के लिए दिल्ली आ गए और दैनिक वीर अर्जुन में नौकरी करने लगे। जल्दी ही तेज तरार रिपोर्टर और विचारु तेजक लेखक के रूप में उनकी ख्याति फैल गई।